जब ख्वाबों के रास्ते जरूरतों की ओर मुड़ जाते हैं, तब असली जिंदगी के मायने समझ में आते हैं। जब इंसान का अहंकार और पेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। इस दुनिया में चापलूसी करने से आसान और सच बोलने से कठिन कुछ नहीं है। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसको अपने पिता का हर फैसला गलत ही लगता है। जिंदगी जीने के लिए बाप की दौलत नहीं, बाप का साया ही काफी होता है। अगर कोई पूछे कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है, तो मुस्कुरा कर कहा करो कि वक्त। अगर वक्त अच्छा है तो सब साथ देते हैं, और वक्त बुरा हो तो कोई भी साथ नहीं देता। अपनी भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है, पर अपनी खाली जेब आपको सही रास्ते का मतलब समझा सकती है। जिंदगी की रेस में लोग आपको दौड़कर नहीं बल्कि तोड़कर हराना चाहते हैं। जिंदगी की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। सफर चाहे कोई भी चुन लेना, पर रास्ता कभी गलत न चुनना। सच्चे प्यार को दुनिया में मत ढूंढो, क्योंकि सच्चा प्यार और सबसे ज्यादा वफादार माँ के अलावा कोई नहीं होता। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब होता है। अगर जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, क्योंकि किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब हो जाती है। जिंदगी का एक सबसे कड़वा सच ये भी है कि लोग सब सच बोलने की सलाह तो देते हैं, पर सच सुनने की हिम्मत कोई नहीं रखता। अगर मदद करनी है तो गैरों की करो, क्योंकि अपने इसे कई बार फर्ज समझ लेते हैं। कभी खुद को बदकिस्मत मत समझना, क्योंकि आपके पास पेट भरकर खाना है। किसी भूखे गरीब से पूछो, जिसके लिए भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई नहीं है। और अंत में यही कहूंगा कि किसी मंदिर या मस्जिद में बर्कर देने से पहले अपने आसपास देख लेना, कोई गरीब भूखा है तो उसके खाने का इंतजाम कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ इस मुहिम में, और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप किस प्रकार दूसरों की मदद करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।